अरे औरतें कितना भी रामायण देख ले पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। सुनो जी, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। हम बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। अच्छा, कब? आज मेरी माँ का फोन आया था, कल से वो हमारे साथ रहने आ रही हैं। सुनो, किस जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। आप तो कितनी बार कह ली, जब भी बाहर जाओ भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाया करो, सारे काम बढ़िया होंगे। मैं ना मानता। क्यों? जब तन्ने बयान गया था आदत के, माथा भी टेक के गया था, फिर भी यू हादसा ना रोक पाया यू ऊपर वाला। यार एक खुशखबरी दूं? हाँ बताओ। मेरे भाई के ना बेटा हुआ है। है? हाँ? लेकिन प्रेग्नेंट तो भाभी थी ना। सुनो, इस पनीर की सब्जी में पनीर दिख नहीं रहा है। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप खा लो संजय। इस सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाए। आज सुबह पति देव से झगड़ा हो गया था मेरा, बड़ा तुनक्कर बोले, मेरा क्या बिगाड़ लोगी। 5 घंटे हो गए चार्जर ढूंढते ढूंढते, पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तुम चला लो फोन, मेरा क्या बिगाड़ लोगी। सुनो जी, आपको पता है आज मैं रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पर सारी लड़कियाँ इंग्लिश में ऑर्डर दे रही थी। अरे भैया, वो लड़कियाँ भी रेस्टोरेंट में जाकर इंग्लिश में ऑर्डर देती हैं आजकल, जो घर पर चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं, अम्मा भात चाहिए भात। मरने वाला था तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि अपनी बीवी से हर गलती के लिए माफी मांग लेता हूँ। आज मरने से पहले ना मैं तुझे कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरी जान। हाँ हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? जो अलमारी से तेरे सोने के गहने चोरी हो गए थे ना, वो मैंने ही चोरी किए थे। कोई बबात नहीं जी। तेरे भाई ने जो तुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी मैंने ही गायब किए थे। कोई बबात नहीं जी। तेरी कीमती साड़ियाँ जो गायब हो जाती थी ना, वो भी मैं ही चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया करता था। कोई बबात नहीं जी, मैंने आपको माफ किया। अच्छा जी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलना, क्या बताना है तुझे? मैंने ही आपको जहर दिया है। अगर आप किसी लड़की को गुलाब देकर थक गए हों, तो एक बार उसे टमाटर देकर परपोज कर लें, क्या पता वो पट जाए। कोई एक अपनी चीज जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट आपकी हो? माय वाइफ। अबे यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार, कल मैं पार्टी में गया था, सब लोगों ने मेरे को भगा दिया यार। क्यों? कार्ड में लिखा था लाल टाई पहन कर आना, जब मैं पार्टी में पहुंचा तो देखा कि बाकी के लोग पैंट और शर्ट भी पहन कर आए थे। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे झगड़ों से, मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। समझदार लड़की तुमसे शादी कर ही नहीं सकती। बस यही साबित करना था। माँ, ए माँ, माए, ए माँ। रे के हो गया, के भी चली पड़की, क्यों गला पाट रहा है तमीन के बीज? मेरा मुंह के देख रहा है, तन्ने कमीन कह रही है। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे झगड़ों से, मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। समझदार लड़की तुमसे शादी कर ही नहीं सकती। बस यही साबित करना था। मियाँ बीबी के तलाक के बाद जज ने भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह पत्नी को देने का फैसला दिया, तो पति लोटपोट होकर हंसने लगा। जज ने कहा, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? पति बोला, पहले पूरी रख लेती थी। भैया मेरी नजर में तो सीमा भी ऐसी ना है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बच्चे तो अपने हो, काले हो, कबड़े हो, कैसे भी हो, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सब अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की भावे, चाहे कैसी हो, फिर काली हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन बहू तो दूसरे की। भाई फलाने की बहू बड़ी जोर की है, अर जा टाइम जा, भाई फलाने की बहू जा रही है, देखो कैसी मलूक लगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों उदास है?
आप तो सुबह खाना बना के ऑफिस चले गए, तो फोन किसी का आया नहीं, तो मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया, तो क्या हुआ? आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। क्यों खराब है भाई? आज मुझे कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला। डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत कैसी है? कल तुम अपने परिवार वालों से मिल सकती हो। लेकिन मेरे परिवार वाले तो सारे मर चुके हैं। पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मीनू। हाँ? यार बुरा ना माना, तो एक बात बताऊं? बताओ। यार मेरा एक सपना है। क्या सपना है? बता दूं? बता दूं? बता दूं? बता दूं? सोच लिए, बुरा ना मानिए। कौन ही मान दी, बता दो। यार मेरा जी कर रहा है कि मेरे चार पांच छोटे छोटे इसे इसे बालक हों। ये तो अच्छी बात है फिर। लेकिन मम्मी सब की अलग अलग है। ताला ठोकर मारती हूँ मैं तुम्हारे 5 करोड़ पे, मुझे ना चाहिए पैसे। अरे क्या हो गया राजी का, कैसे मूड खराब है? यार मैं कौन बनेगा करोड़पति में गई, उन्होंने 5 करोड़ का सवाल पूछा कि अपने एक ऐसे दोस्त का नाम बताओ जो पक्का लौंडी आवाज है। मैंने 5 करोड़ पर ठोकर मार दी लेकिन तेरा नाम नहीं लिया। अबे तो तू मुझे लौंडी आवाज समझ रही है? नहीं नहीं यार, एक एक तो मैंने नाम ना लिया था, एक तेरा गद्दारी थोड़ी करूंगी। 32 ही तो साइटिंग है बस यार, ज्यादा थोड़ी है। अच्छा अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। मम्मी जी का वीडियो कॉल। ढोग मम्मी जी, यहाँ सब ठीक है, आप कैसे हैं? काम तो बस आपका फोन आया तभी आके बैठी हूँ, वरना काम तो इतना है कि पूरा दिन निकल जाता है फिर भी काम पूरा ही नहीं होता है। शिप्रा, जो बचे थे कपड़े वो मैंने धो दिए, जो सूख गए थे वो मैं छत से ले आया, चाय बनाने जा रहा हूँ, आप पियोगे क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना डालने। तो फिर वापस नीचे आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई हुई है। क्या मतलब चिड़िया मायके? मैं कुछ समझा नहीं। चिड़िया का मैसेज आया था तुम्हारे फोन पे और लास्ट में मिस यू भी कहा था। भाइयों बेचारा आदमी एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा, लेकिन ये औरतें दोनों कानों से सुनेंगी और सीधा मुंह से निकाल देंगी। उठाइए ना। हेलो, 1 लाख? क्या हो गयो? मेरे पापा ने किडनैप कर लियो और न्यू कहे हैं 1 लाख रुपया दो नहीं उड़ा देंगे। कौन जा? क्यों? लोग तो रुपया देके उड़े और वह तो फ्री में उड़ाऊ से उड़न दो को दिन उड़न। हेलो, उड़न दो। हाँ उड़ा दो। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मफलिसी में पैदा होने वाला मच्छर बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। आप मेरे प्यार की तोहिन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तोहिन कर रहे हैं। सुनो जी, आपने पड़ोसन को क्या बोला? वो सुबह सुबह आके मुझसे झगड़ा करने लगी। अबे मैंने कुछ नहीं बोला, देख जब हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में चाय पीते हैं। हाँ। जब हम खाना खाने जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में खाना खाते हैं। हाँ। अबे तो मैं सोने जा रहा था, मैंने पड़ोसन से कह दिया आओ जी साथ में सोते हैं, जाने क्यों चिढ़ गई वो। मम्मी। यार गज्जू, पता नहीं लोग ये क्यों बोलते रहते कि गज्जू तोतला है, गज्जू तोतला है। डूड बोलते हैं टाले, चलते हैं मुझसे। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। 99% लड़का शादी के बाद अपनी माँ बाप से ज्यादा अपनी बीवी की सुने, क्योंकि बीवी पति भगवान माने, और जहाँ तक तुम सब पता है भगत के बस में है भगवान।
अच्छा पति चाहे कितना भी निकम्मा और नालायक क्यों ना हो, पर पत्नी उसे पड़ोसन के हाथ नहीं आने देती। कोई बात नहीं बेबे, हो जाऊंगा ठीक। नू दस ना वै देख बेबे कुछ तो बोल। आई कोई बात नहीं, तू गूगल पे पे भेज दिए पीछे। और बता तेरी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने विटामिन जी की कमी बताई है। विटामिन जी? ये कौन सा विटामिन है? गोलगप्पे। मैंने तेरे को 70 बार बोला है कि रात को अपने भाई को मूली के पराठे खाने को मत दिया कर। क्यों, क्या हुआ? अबे जाके देख, उसने पाद पाद के 3 रजाइयां और 1 गद्दा जला दिया है। पता नहीं ये कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ मेरा वाला तो सब कुछ है, सास ससुर देवर जेठ ननद सब कुछ, सिवाय बेस्ट फ्रेंड के। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो नाम पूछना ही भूल गई। काला कह दे काम में। नहीं कलर नहीं, नाम पूछ रही थी। गजब बेइज्जती है।